चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं थी। चित्रकेतु के यहाँ बेटा नहीं था। एक संत जी से कहा हमें पुत्र चाहिए, संत जी ने फल दिया, संत के तप के प्रभाव से फल खाए और उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों को बेटा नहीं हुआ। तो उन रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर दे करके मार दिया कि राजा हमसे प्यार करते नहीं है, हमें देखते नहीं। उन रानियों ने जहर दे करके मार दिया और राजा रानी को पता चला कि बच्चा मर गया, रोने लगे, हे विधाता तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, मारना था हमें मार दिया होता, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा। ठीक है, नारद जी आए समझाए, महाराज आप ज्ञानी हैं, बच्चे के लिए रो रहे हैं, जो मर गया कभी नहीं आएगा, ज्यादा मोह में नहीं उलझना चाहिए। राजा बोले महाराज बच्चा छोटा था, क्या बिगाड़ा होगा उसने किसी का। नारद जी ने कहा जिसका जितना समय था गया, नहीं मुझे बेटा चाहिए। नारद जी ने मरे हुए बेटे को जीवित कर दिया, अच्छा लो बेटा। ठीक, पिता दौड़े, आओ बेटा तुम्हें गले से लगाऊं। उस बेटे ने कहा खबरदार कौन पिता हो आप मेरे, किस जन्म के पिता हो आप मेरे, कितनी बार जन्म हुआ, मैं कितनी बार मर गया, किस जन्म का हिसाब रखूं। पिछले जन्म में मैंने आपकी थोड़ी सी रोटियां खाई थी, 5 रोटियां आपके घर में भिखारी बन के भीख मांगने आया, गेहूं काटा आपने दिया था मुझे राजा आपने, और थोड़ा सा गाय का सूखा गोबर दिया था, ओपले कंडे, उनमें मैंने ध्यान नहीं दिया, रात्रि में आग लगा दी, उन ओपलों में ढेर सारी चींटियां थी, सारी जल गई, मेरे द्वारा चींटियां जल गई, वो चींटियां आपसे मिली थी कंडों में ओपलों में, वही चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आई इस जन्म में, और मैंने आपकी रोटियां 5 खाई थी तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर चुकाया, भगवान को भोग लगाकर खाया था, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते, ना जाने कितने जन्म। इस संसार में जो आपकी, ध्यान से समझना इस बात को, जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, वह आपका किसी ना किसी जन्म का ऋण चुका रहा है या पत्नी चुका रही है। मेरी पत्नी मेरा ऋण चुका रही है किसी जन्म का, मैं अपनी पत्नी का ऋण चुका रहा हूं किसी जन्म का, आप भी अपने पति का ऋण चुका रही हैं, पत्नी का ऋण चुका रहे हैं, पुत्र का ऋण। आपकी यही पत्नी क्यों है, यही पति क्यों है, उससे आपका कोई पिछला लेना देना था, इस जन्म में चुका रहे हो, जिसका हिसाब जब चुक जाएगा उसकी छुट्टी। पत्नी का हिसाब पहले चुक जाता है तो पत्नी मर जाती है, पति का हिसाब पहले चुक जाता है पति मर जाता है ना, लोग कहते हैं ना पत्नी पहले मरेगी कि पति पहले मरेगा, जिसका हिसाब पहले चुक जाएगा वो पहले मर जाएगा। सब अपना अपना चुका रहे हैं, इसलिए कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, ये तो लेन देन चुका रहे हैं, पति पत्नी बनकर पति पत्नी का अभिनय कर रहे हैं, नाटक, ये अभिनय है। आप रियल में किसी की पत्नी नहीं हो, मान बैठी हो हम इसकी पत्नी हैं, उसकी पत्नी बनकर उसका ऋण चुका रही हो, समाज ने कह दिया कि ये हमारी पत्नी है, फोटो दिखा दी, देखो भैया शादी की फोटो है, बस ये सबूत है, और क्या सबूत है आपके पास। यदि समाज सबूत ना माने, समाज की बात नहीं मानना है, फोटो नहीं मानना, तो काहे की पत्नी और काहे का पति। इसलिए कोई पति पत्नी नहीं है, सब अपना अपना ऋण चुका रहे हैं, ऋण है ये, जिसका जितने दिन का हिसाब है चुका लो, मरना पड़ेगा। तो पत्नी, आपका पति बहुत मारता, महाराज हमारा पति बहुत मारता है, तुमने उसे मारा होगा पिछले जन्म में खूब, वो तुम्हें मार रहा है। एक माँ, एक पत्नी मेरे
एक गुरुजी के पास एक महिला आई, गुरुजी गुरुजी हमारा पति बहुत मारता है, ये देखो इतना मारा, यहाँ पे खून आ गया। गुरुजी ने कहा भोजन दिया कि नहीं? खाना दिया? हाँ हाँ खाना देता है, कपड़े देता है, सब देता है, मारता बस। गुरुजी ने कहा जाओ बाद में आना। एक दिन फिर मारा उसके पति ने, फिर दौड़ी, गुरुजी गुरुजी पति ने मारा, बताओ क्यों मारा? गुरुजी बोले खाने को दिया? हाँ दिया, जाओ फिर आना। तीसरे बार फिर आई कुछ दिनों, गुरुजी आज बहुत मारा है। गुरुजी ने खाना बोला खाना दिया? खाने को? हाँ दिया। ये बताओ मारता क्यों है? वो आप बताते ही नहीं है। खाना दिया? देता है। गुरुजी ने कहा ये पिछले जन्म का हिसाब चुक रहा है। मैं नहीं समझ रही हूँ, समझाओ। गुरुजी ने कहा ये जो तेरा पति है जन्म का, ये पिछले जन्म में तेरा सौतेला बेटा था, तेरा सौतेला बेटा था, तू सौतेली माँ थी, बड़ा अत्याचार करती थी इसके संग, बहुत मारती थी, दो दो तीन तीन दिन से रोटी नहीं देती थी तू। अच्छा है कम से कम वो तुझे खाने को तो देता है, इसलिए मैं पूछ लेता था दे रहा कि नहीं खाने को। तेरे से कम अत्याचार कर रहा है वो, जितना तूने किया उतना तो तूने ज्यादा किया था, वो तो कम ही कर रहा है, इसलिए अब पिटती रहे, अब क्या करेंगे, अब जो हिसाब है चुकाना ही पड़ेगा। तो जैसा पति है तुम्हारे कर्मदंड है, वो पति मरमेश्वर नहीं, वो तुम्हारे कर्मदंड है। और तुम्हारी भाग्यवान जो पत्नी है, कई पत्नियां भी पतियों को जमाती रहती हैं, अब पिटो, अब क्या करोगे, तुम्हारे कर्मदंड है, तुमने मारा होगा तो पिटो इस जन्म में। कुछ पत्नियां दबंग होती हैं, जैसा कहेंगे वैसे ही करना, खड़े रहो, कहां गए थे, अब करो, अब क्या करोगे। तो ये सब कर्मदंड है, जैसा किया है भोग रहे। ऐसी पत्नी, आपका बेटा अच्छा है, आपका बेटा बुरा है, मतलब आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा कर्म ही बेटा बन के प्रकट हो गया, बुरे कर्म ही बुरा बेटा। आपका कर्म ही आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, आपका पति है, कर्म ही पति पत्नी पुत्र के रूप में प्राप्त होता है। जिसकी पत्नी अच्छी है, आपने अच्छा व्यवहार सबसे किया तो आपके संग सब अच्छा हो रहा है, इसलिए अच्छा करो। और जो मिला है जैसा मिला है वो कर्म दंड है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है, सब पे आएगी और सबको भोगना पड़ेगा, अपने अपने हिस्से का सबको मिलेगा, आपके पड़ोसी के हिस्से का पड़ोसी को, और आपके हिस्से का मैया। आपके पति अच्छे हैं? बोलो हाँ, तुमने अच्छा पुण्य किया होगा, अच्छा कार्य, इसलिए अच्छे हैं। और कोई पाप आप किया होगा तो सवेरे शाम मारता है, इसलिए अब जैसा है काट लो, है ना। समय को लिखा किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया, किसी बहाने से समय तो काटना ही पड़ेगा। 12 साल का वनवास पांडवों का हुआ, काटना पड़ेगा साहब, क्योंकि ये भी तुम्हारे कर्मों का दंड है। जुआ खेला था तो भोगो, तुम्हारी ही करनी का दंड है ये। जीवन में विपत्ति आती है वो हमारे ही कर्मों का दंड होता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो हमारे जीवन में जितना भी दुख आता है या दुख है, उसका जिम्मेदार कौन, बोल दो जोर से, हमारे दुख का जिम्मेदार कौन, बोलो मेरी माँ, जोर से, कौन? हम खुद। इसलिए कहता हूं, इसलिए कहा करता है ये दास, न देना दोष किस्मत को,
विपत्ति तो सब पे आती है, विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। श्रवण के माँ बाप पर भी विपत्ति आई, विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे बन को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। इस धरती पे एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई विपत्ति 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 ना आई हो। इसलिए ये मेरा है नहीं मेरी माँ, सब अपना हिसाब चुकाने आए हैं। इसलिए मरते समय भगवान का चिंतन करना साहब, पत्नी पति कुत्ता बिल्ली घर मकान पैसा कौड़ी से। इसलिए कहता हूँ अभी से सब हटाओ, जाल में ना उलझो, अभी से अपने मरने की तैयारी में लग जाओ। कब लगोगे? जब प्राण निकलेंगे, दो घंटे पहले तैयारी ना हो पाएगी। आप हरिद्वार जाते हैं तो 15 दिन पहले से तैयारियां चालू हो जाती हैं। तो जहां सदा के लिए जाना है वहां की तैयारी तो अभी से शुरू होनी चाहिए, यही समझदारी है। घंटे भर में क्या तैयारी होगी, क्यों मेरी माँ? तो आप लोग अभी से तैयारी में लगो। मैया मैया सुन रही हो ना मेरी माँ, तैयारी कर लेना अपनी। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मनुष्य बन के अपनी सदगति कर लेना, ये आपकी समझदारी है। 84 में उलझे रहना समझदारी नहीं है। हाँ, सबको मरना है, काम करो, पैसा कमाओ, सब करो, उलझना मैं पहले समझा। मकड़ी का जाल याद रखना, जाल में रहना है, खेलना है, खाना है, उलझना नहीं है। सही है, तैयारी में लगो, अभी से पुण्य करो, अभी से अच्छे काम करो, अभी से सच बोलना शुरू कर दो, अभी से मन को साफ करो, निंदा कपट चुगली से मन हटाओ, अभी से पड़ोसन से जो चुगली निंदा करते हो वो सब से मन हटाओ, और एकांत में बैठ के गोविंद का चिंतन किया करो, कथाएं सुना करो। सही है, ये तैयारी है।